अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद माय न्यू रेसिपी। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ शीर कोरमा। यस, शीर कोरमा एक बहुत स्वीट डिश में आता है ये चीज़, एंड ये ओकेजनली हमारे यहाँ बनता है, लाइक ईद या बकरा ईद या फिर कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है या ओकेजन है, उस पर हम लोग इसको बनाते हैं एज अ स्वीट डिश। सो गाइज़, आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है स्वीट डिश। एंड अभी मैंने ये दूध रख दिया है, इसके अंदर मैंने 3-4 इलायची डाल दी है। 1 लीटर दूध है, 1 लीटर मिल्क में मैंने 3 या 4 इलायची, ग्रीन कार्डमम डाल दिया है, और ये अच्छे से मैं इसको पका लूँगी जब तक कि ये हाफ़ लीटर नहीं हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो डाला जाता है वो है सिवई। सिवई को मैंने बहुत अच्छे से बारीक तरीके से इसको अच्छे से कर लिया है। इधर है मेवा, ये मावा इसमें जाएगा तोड़कर, मतलब अच्छे से इसको बारीक तरीके से हम तैयार कर लेंगे तब हम इसको इसमें डालेंगे। इसी के साथ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स मतलब नट्स, उनको चॉप कर रखा हुआ है, जो कि एक स्टेज के बाद डाला जाएगा। जब ये हाफ लीटर दूध में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम ये तीनों चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से फिर इसको पकाएंगे। गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लिक्विडी कंसिस्टेंसी चाहते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को थिक कंसिस्टेंसी पसंद है, इसीलिए मैं इसमें मावा और इसके अंदर सिवई की जो क्वान्टिटी है वो ज़्यादा रखूँगी। तो अभी देखो आप, ये दूध अच्छे से पक चुका है, काफ़ी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है, थिक कंसिस्टेंसी आ गई है। वैसे मुझे तो लिक्विडी फॉर्म ही पसंद है, बट मेरे हस्बैंड को थिक कंसिस्टेंसी पसंद है, इसीलिए मैं इसके अंदर सिवई ज़्यादा डालूंगी। आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि मुझे इसको थिक फॉर्म में बनाना है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद है, तो मैं स्पेशली उन्हीं के लिए बना भी रही हूँ। तो इसके बाद मैं डाल दूँगी मावा और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। पकाने के बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें चॉप किए हुए नट्स, जिसमें हैं डेट्स एंड एलमंड्स। मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, क्योंकि मुझे किशमिश वगैरह पसंद नहीं है, रेजिन्स वगैरह मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसमें यही नट्स डाले हैं। अब मैं इसे अच्छे से पका लूँगी जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक नहीं हो जाएगी, और जैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी मैं गैस को बंद कर दूँगी बंद। तो अभी ये बन रहा है, बनते बनते कुछ टाइम लगेगा। हमें यहाँ इस स्टेज पर फ्लेम को बहुत लो कर देना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको नहीं रखना है, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ये जल सकता है। तो हम बहुत मतलब फ्लेम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देंगे जिससे कि ये इजीली पक सके। तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी थिक होना शुरू हो गई है, मावा सिवई नट्स इसमें जा चुके हैं, अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। और गाइस, जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जो नए हैं मेरे चैनल पे वो भी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छी रेसिपीज़ के लिए, और मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करके बताएं और क्या क्या रेसिपीज़ आप लोगों को चाहिए। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं एक और व्लॉग लाने वाली हूँ, तो एक्साइटेड रहिए उस व्लॉग के लिए, क्योंकि मैं उसमें अपना पूरा रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सो स्टेज जो है, देखिए धीरे धीरे थिक होती जा रही है, और मतलब ऐसा नहीं है कि लिक्विड फॉर्म में मज़ा नहीं आता या कुछ, उसमें भी बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को क्योंकि थिक पसंद है इसीलिए मैंने इसको थोड़ा गाढ़ा कर बनाया है। सो इसका फाइनल लुक मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, और ये आ गया मेरा फाइनल लुक, एंड यू कैन सी कलर कितना अमेजिंग आया है और कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। एंड गाइस, सीरियसली बहुत टेस्टी बना था ये शीर कोरमा, बहुत यम्मी, मतलब मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। तो ये इसका फाइनल लुक है, एंड तक देखिएगा मेरे वीडियो को। और अब मैं करती हूँ अपना व्लॉग यहीं एंड। सो मेक श्योर मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को कीजिए शेयर ऐसी अच्छी अच्छी और टेस्टी डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।